दोस्तों, पृथ्वी पर अपनी आबादी बढ़ाने में हम इंसानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और आज उसी का नतीजा है कि पृथ्वी पर इंसानों की आबादी 800 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। और वो दिन भी दूर नहीं जब पृथ्वी पर आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोगों को रहने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। यूँ तो हम इंसान आकाश से लेकर पाताल तक हर जगह अपनी पहुँच बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या कभी हमने अपने अंदर झांक कर देखा है कि आखिर हमारे अंदर की दुनिया कैसे काम करती है? क्योंकि जिस तरह से एक बीज से पौधा बनता है और पौधे से पेड़, ठीक उसी तरह हम इंसान भी अस्तित्व में आते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कुदरत के बनाए सबसे जटिल निर्माण को देखने के लिए निकल रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमारे और आपके जन्म से पहले ही हो जाती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको जिस सफर पर ले जाएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि जन्म से लेकर हम इंसानों को किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है, लाखों शुक्राणुओं की दौड़ में हम कैसे अव्वल आते हैं। दोस्तों, साल 1950 में भारत की जनसंख्या लगभग 38 करोड़ थी, लेकिन आज करीब 70 साल बाद ये जनसंख्या 100 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आज भारत में 138 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और पूरे भारत में हर एक सेकंड किसी न किसी का जन्म होता है। यानी कि हम इंसानों के अस्तित्व की ये दौड़ लगातार चलती रहती है, जिसकी शुरुआत शुक्राणुओं से होती है। जब एक पुरुष और महिला का संबंध बनता है तो एक स्वस्थ आदमी एक बार में तकरीबन 20 से 25 करोड़ शुक्राणुओं को जन्म देता है, परंतु ये सभी शुक्राणु फर्टिलाइज नहीं होते, वरना एक आदमी एक बार में करोड़ों की आबादी पैदा करने लग जाएगा तो एक ही साल में पृथ्वी के हर कोने में इंसान देखने को मिलेंगे। पेड़ पौधे और जानवरों के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी, इसलिए इन करोड़ों शुक्राणुओं में से कोई एक, सिर्फ एक अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। और इन सभी में जो सबसे बेहतर और तेज होगा वही इंसान के रूप में अस्तित्व में आ पाएगा, वरना बाकी तो कुछ पल की दूरी तय करते ही अपने अंत में आ जाते हैं। दोस्तों, संबंध बनाने के तुरंत बाद में शुक्राणुओं के मर जाने के कई कारण हैं। अगर ये सही वक्त पर नहीं होता तो शुक्राणु कैद होकर मर जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महीने के ज़्यादातर दिन में महिला के गर्भाशय में जाने का रास्ता म्यूकस द्वारा बंद हो जाता है। दोस्तों, असल में म्यूकस एक गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ है जो गर्भाशय को सुरक्षित करके रखता है, परंतु एक बार हॉर्मोन्स की वजह से ये म्यूकस सॉफ्ट हो जाता है और महिला की बॉडी शुक्राणुओं को गर्भाशय में जाने का एक मौका देती है। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो म्यूकस शुक्राणुओं को गर्भाशय में जाने नहीं देता वही सॉफ्ट होने के बाद शुक्राणुओं की मदद करता है। परंतु दोस्तों, शुक्राणुओं की जंग यहीं पर ख़त्म नहीं होती। मजबूत और ताकतवर शुक्राणु ही म्यूकस का इस्तेमाल करके गर्भाशय के लिए ऊपर का रास्ता बना पाते हैं, कमजोर और मरे हुए शुक्राणु पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, पुरुष एक बार में करोड़ों शुक्राणुओं को पैदा करता है, लेकिन उन करोड़ों में से बहुत कम शुक्राणु ऐसे होते हैं जो इस बाधा को पार करके आगे की तरफ अपना रास्ता बनाते हैं, और गर्भाशय तक जाते जाते तो शुक्राणुओं की संख्या केवल 1% ही रह जाती है। परंतु बचे हुए 1% शुक्राणु भी ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते। महिला की बॉडी में आगे बढ़ने की इस जंग में वही शुक्राणु जीत हासिल करते हैं जो पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये शुक्राणु महिला की बॉडी के लिए बिल्कुल अजनबी होते हैं, इसी वजह से महिला की बॉडी द्वारा इसे कोई वायरस समझ लिया जाता है। इसलिए जैसे ही अपने करोड़ों भाई बहनों को आगे बढ़ने की इस जंग में हरा कर लाखों की संख्या में शुक्राणु महिला के शरीर के अंदर पहुंचते हैं, वैसे ही महिला की बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वाइट ब्लड सेल्स इन्हें शरीर के लिए जानलेवा समझ कर इन पर चारों तरफ से हमला करना शुरू कर देते हैं। इम्यून सिस्टम द्वारा किया गया ये हमला इतने बड़े पैमाने पर होता है कि इसके बाद शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, और इम्यून सिस्टम के इस हमले से बचकर जो शुक्राणु अगले पड़ाव यानी कि फिलिपिन ट्यूब के अंदर पहुंच जाते हैं उनकी गिनती मात्र 20 या 25 ही होती है। मतलब आप खुद ही सोचिए कि कहां ये यात्रा 20 से 25 करोड़ शुक्राणुओं के साथ शुरू हुई थी और मात्र 20 से 25 शुक्राणु ही अंत में बच पाते हैं। ये प्रोसेस अजीब जरूर है, पर सबसे बेस्ट को चुनने का कुदरत का ये अपना तरीका है।
क्योंकि अगर ये शुक्राणु इस जंग को पार नहीं कर पाएंगे तो भला बाहर की दुनिया में वो कैसे सर्वाइव करेंगे। हालांकि फिलिपियन ट्यूब तक पहुंचने के बाद ये शुक्राणु काफी थक जाते हैं, इसलिए ये कुछ समय तक यहाँ पर आराम करते हैं। अब 5 दिनों तक ये शुक्राणु फिलिपियन ट्यूब के अंदर जिंदा रह सकते हैं, यानी कि महिला की बॉडी के पास अब 5 दिन है उस अंडे को रिलीज करने के लिए, जिसका मिलन इनमें से किसी एक शुक्राणु के साथ होगा और इन दोनों के मिलन से एक नए जीवन की शुरुआत होगी। पर दोस्तों, आगे के प्रोसेस के बारे में जानने से पहले आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये अंडा क्या करता है और महिला की बॉडी में ये कहां पर स्टोर होता है। दोस्तों, हम इंसानों को अपने जैसे प्राणी पैदा करने के लिए कुछ खास तरह के सेल्स की जरूरत होती है, जिसमें से एक महिला के अंदर होता है और एक पुरुष के अंदर होता है। महिला के अंदर ये सेल अंडे के रूप में होता है, तो वहीं पुरुष इन सेल्स को शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स के रूप में पैदा करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। और जब भी अंडा और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो ये एक नए सेल को जन्म देते हैं, जो आगे चलकर महिला की बॉडी में 9 महीने तक मनुष्य का रूप धारण करता है। पुरुषों के अंदर एक बार में अनगिनत शुक्राणु बनाने की काबिलियत होती है, परंतु महिला की बॉडी में स्टोर इन अंडों की संख्या बहुत लिमिटेड होती है, और जिस जगह पर ये अंडे स्टोर होते हैं उसे ओवरी के नाम से जाना जाता है। ओवरी महिला के गर्भाशय यानी कि यूट्रस के दोनों तरफ पाई जाती हैं, और आप ये बात जानकर पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे कि एक महिला की ओवरी में कितने अंडे होंगे। ये बात आपके जन्म से पहले ही तय हो जाती है, क्योंकि जन्म से पहले जब एक लड़की अपने माँ के पेट में अविकसित बच्चे के रूप में होती है, तो उस समय उसके शरीर में 10 से 20 लाख इमैच्योर यानी कि अपरिपक्व अंडे होते हैं, जिनकी संख्या पहले से ही तय होती है। परंतु एक लड़की के पैदा होने से लेकर उसके जवान होने तक इन अंडों की संख्या मात्र 3 लाख रह जाती है, जिनमें से मात्र 300 से 400 अंडे ही वो अपनी उम्र भर रिलीज कर पाती है। परंतु दोस्तों, शुक्राणुओं की तरह महिला के शरीर में भी पाए जाने वाले सभी अंडे शुक्राणु से मिलने के लिए तैयार नहीं होते, बल्कि एक स्वस्थ औरत की ओवरी से लगभग हर महीने एक अंडा पूरी तरह से मैच्योर यानी कि परिपक्व होने के बाद ही बाहर आता है। परंतु अंडे के साथ साथ कुछ केमिकल्स भी रिलीज होते हैं जो फिलोपियन ट्यूब को संकेत देते हैं, जिसके बाद ओवरी के साथ लगी हुई फिलोपियन ट्यूब मूव होकर अंडे को अपने अंदर ले लेती है। ट्यूब के मुहाने पर मौजूद बेहद महीन बालों जैसे स्ट्रक्चर अंडे को ट्यूब के अंदर ढकेलने में मदद करते हैं। दोस्तों, जब ओवरी से अंडा बाहर आने वाला होता है तो बॉडी में इसकी तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। ओवरी से मिलने वाले संकेतों से शरीर के अंदर कई तरह के बदलाव आते हैं, जहां शरीर में बह रहे खून में ऐसे हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है जो महिला के गर्भाशय की लाइंस को अंडे के लिए पूरी तरह तैयार करते हैं, ताकि अगर अंडे और शुक्राणु का मिलन हो गया तो अंडा गर्भाशय से चिपक जाए और उसको पोषण मिलना शुरू हो जाए। ट्यूब में आने के बाद शुक्राणु से मिलने के लिए अंडे के पास मात्र 12 से 24 घंटे का वक्त होता है, और अगर अंडे और शुक्राणु का मिलन नहीं होता तो गर्भाशय में तैयार वो लाइंस अंडे के साथ ही ब्लीडिंग के तौर पर महिला के शरीर से बाहर निकल जाती है, जिसे मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म कहा जाता है, और आम भाषा में लोग इसे पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में जब अंडा और शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं तो ये पीरियड्स नहीं होता, लेकिन अगर अंडे और शुक्राणु का मिलन नहीं होता तो अंडा बाहर निकल जाता है। पर यहाँ पर सवाल ये आता है कि शुक्राणु अंडे के अंदर जाते कैसे हैं? तो दोस्तों, ट्यूब के अंदर मौजूद अंडा एक केमिकल को रिलीज करता है, जिससे उसके पास मौजूद शुक्राणुओं को उस तक पहुंचने में मदद मिलती है, और यहाँ पर आकर शुक्राणु अपनी आखिरी दौर खत्म करने वाले होते हैं। अब हमारे लिए तो ये सफर भले ही छोटा हो, लेकिन इन शुक्राणुओं के लिए यह किसी जंग से कम नहीं होता, जिसमें जीतने के लिए उन्हें सिर्फ आगे बढ़ना होता है, फिर चाहे रास्ते में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाए। अंडे तक पहुंचने के बाद बचे हुए आखिरी शुक्राणु उसमें अंदर जाने की कोशिश करने लगते हैं, और फिर उनमें से कोई एक अंडे की प्रोटेक्टिव लेयर को तोड़कर उसके अंदर प्रवेश करता है। परंतु दोस्तों, ये वक्त अंडे के लिए बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, क्योंकि अगर इसी बीच कोई दूसरा शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर जाए तो अंडा नष्ट भी हो सकता है। इसी वजह से जैसे ही कोई शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश करता है, उसके सेल के ठीक नीचे छोटे छोटे दानों का विस्फोट होता है, जो इसके सेल्स को कड़क बना देते हैं, ताकि कोई दूसरा शुक्राणु इसे तोड़कर अंदर ना आ पाए। अब दोस्तों, अंडे और शुक्राणु के मिलन के बाद इस छोटी सी नई जिंदगी को एक माँ के गर्भ में पूरे 9 महीने तक पोषण मिलेगा, और फिर इस छोटी सी जिंदगी को धरती पर एक नया जीवन मिलेगा, जिसमें कुदरत और बच्चे को जन्म देने वाली माँ की बराबरी की साझेदारी होगी, और वो मिलकर एक नए जीवन को धरती पर पैदा करेंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए जिसमें कि हम ये जानेंगे कि हमारे अंदर माता पिता के गुण कैसे आते हैं और हम धीरे धीरे 9 महीने तक कैसे डेवलप करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर मेंशन करिए। मैं इसका जल्द ही इन सभी टॉपिक को कवर करके पार्ट 2 जरूर बना दूंगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।